हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोगों को बढ़िया होगी। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है हमारा महिंद्रा की तरफ से जो आप लोगों को जीनियन एसेसरीज प्रोवाइड होती है, मतलब जो महिंद्रा की तरफ से ओरिजिनल एसेसरीज प्रोवाइड होती है, तो आज मैं ब्लॉग बनाने आया हूँ। एंड आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है एक्सयूवी 300 पे। ये बेस वेरिएंट गाड़ी है एंड इसका मैं पूरी जितनी भी एसेसरीज लगी है ना उसका ब्लॉग बताऊंगा। इसमें बहुत मतलब छोटी मोटी एसेसरीज नहीं लगी है, बहुत मतलब हज़ारों या 1 लाख तक की एसेसरीज जहाँ तक लगी हुई है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कितनी की एसेसरीज लगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। एंड अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट किए बिना मत जाइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड साइड में घंटी का ऑप्शन आ रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा। एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स से मेरे ब्लॉग को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बैकग्राउंड बन जाएगा उसके लिए प्लीज़ माफ़ी। एंड बाकी पूरी गाड़ी के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या इसमें एसेसरीज लगी हैं। तो गाइस, ये है आप लोगों की XUV 300 बेस वेरिएंट है एंड इस पर पूरी एसेसरीज आप लोगों की लगी हुई हैं, तो आप जैसा कि देख सकते हो। अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो इस तरह की ये आप लोगों को ग्राफिक्स दिख रहे हैं, तो ये जो है ये एड ऑन किट का है एंड एड ऑन किट में ये इंक्लूड होता है ये चीज़। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हो। ठीक है, ऊपर से गया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक आपका आता है। ठीक है, बाकी साइड में ये चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ से बोनट से स्टार्ट होती है एंड ऊपर तक जाती है। तो अगर इसका जो प्राइस रेंज होगा वो आप लोगों को स्क्रीन के नीचे लिख के आता जाएगा, तो कोशिश करूँगा कि स्क्रीन के नीचे आपके साथ साथ एसेसरीज भी बताता जाऊँ एंड साथ ही साथ आपको प्राइस बताता जाऊँ। बाकी जो मैं आखिरी में इसका जो कागज़ होगा वो आप लोगों को लगा दूँगा कि कितने की जो टोटल इसमें एसेसरीज लगी वो जितनी भी वो आप लोगों को मैं कागज़ लगा दूँगा, जिससे कि आप आराम से उसको देख सकते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है। एंड अगर आप लगाना चाहें तो वो उसकी मदद से आप लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी में एसेसरीज। तो अगर सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम गार्निश फिनिश आपको मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉग लैंप्स में, फ्रंट के फॉग लैंप्स में मिल जाता है। एंड यहाँ पर मिड गार्निश मिल जाती है आप लोगों को जो क्रोम फिनिश में, कुछ इस तरीके की आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सिल्वर फिनिश के साथ जो स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं आपकी, कुछ इस तरीके की दिखती है। नीचे थोड़ा सा मैं दिखाऊं, देख सकते हो, फ्रंट से देख लो, तो आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी फ्रंट में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर फिनिश के साथ आप लोगों को मिल जाता है कुछ इस तरीके का। एंड अगर हम लोग साइड से बात करते हैं तो यहाँ पे भी साइड में भी आप लोगों को पूरी क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है इंडिकेटर्स की। ठीक है, एंड अगर आप एलॉय व्हील्स के देखते हो तो एलॉय व्हील्स कुछ इस तरीके के आप लोगों को मिल जाते हैं डुअल कट डायमंड कट में। एंड बाकी अगर टायर साइज़ की बात करते हो तो 205/65 R16 16 इंची के यहाँ पे आप लोगों को एलॉय व्हील्स प्रोवाइड हो जाते हैं। एंड साइड में आप लोगों को जो मोल्डिंग्स होती हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाती है क्रोम फिनिश के साथ, देख सकते हैं। बाकी साइड में भी जो आपकी स्किड प्लेट्स होती हैं, जो भी होगा उसका आप लोगों को डिटेल्स नीचे आ जाएंगी। एसेसरीज़ के बारे में देखो गाइस, ज़्यादा मुझे नॉलेज है नहीं, मतलब थोड़ी बहुत है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं है। अपनी कोशिश में आप लोगों को चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा बता दूँ। बाकी यहाँ पर जो आपके रेन वाइज़र होते हैं या सन वाइज़र जो भी आप बोलते हो वो कुछ इस तरीके के मिलते हैं, सब महिंद्रा के हैं, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो महिंद्रा लिखा हुआ, ठीक है। बाकी अगर हम लोग साइड के ORVMs की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी, अगर आप लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। एंड ऊपर की अगर हम लोग बात करते हैं रूफ़ रेल्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं रूफ़ रेल्स कुछ इस तरीके की दिखती हैं सिल्वर फिनिश में। मैं उधर से दिखाता हूँ क्योंकि इधर से थोड़ा डलने से आ रही है, तो आप देख लो। ओके, बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्रोम फिनिश पूरा लगा हुआ है इंडिकेटर्स में। साइड में आप लोगों को कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। ये डोर गार्ड्स होते हैं गाइस जैसे महिंद्रा के, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक में हैं, ग्लॉसी ब्लैक में जो महिंद्रा रेड से लिखा हुआ है तो बहुत बेहतरीन दिख रहा है। एंड बाकी रेन वाइज़र पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी क्रोम फिनिश आप लोग कोई कोई मिल जाती है। साइड से गाड़ी देखने में कुछ इस तरीके की है, एंड बाकी इस गाड़ी को देख के लगता नहीं है कि ये गाड़ी मतलब
बेस वेरिएंट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉप से भी अलग दिखती है बहुत। बाकी आप लोगों को जो आप लोग देख सकते हैं पीछे भी आप लोगों को यहाँ पे क्रोम फिनिश पूरा पूरा मिल जाएगा। ये पूरी किट होती है एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स में भी आप लोगों को क्रोम गार्निश मिल जाएगी। ये स्केट प्लेट्स, बाकी इसमें कैमरे की प्लेसमेंट नहीं की गई है, कैमरा भी आपका लग जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं जगह है तो कैमरा भी आप लोगों को लग जाएगा। बाकी ये स्पॉइलर आप देख सकते हो, स्पॉइलर है लगा हुआ है, स्पॉइलर थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा वाइट है एंड इसका थोड़ा सा कुछ इस तरीके का है, पर्ल वाइट में है ये गाड़ी एंड इसका कुछ प्योर वाइट टाइप में है स्पॉइलर, बट आप इसको पेंट भी करवा सकते हैं। एंड पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी टेल लैंप्स में भी आप लोगों को क्रोम गार्निश फिनिशिंग मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम गार्निश लगा हुआ है पूरा पूरा। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, एंड गाड़ी के अंदर दिखाने जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो की आपको बेस वेरिएंट में मिलती है वो तो ये नॉर्मल मिलती है, बट इसमें सेंट्रल लॉकिंग का पूरा लगा रखा है, आप देख सकते हैं महिंद्रा लिखा हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके की मिलती है। सिंपली आप ऊपर से लॉक करिए गाड़ी को एंड अनलॉक करने के लिए, एंड बाकी इससे आप अपनी गाड़ी को ढूंढ सकते हैं। एंड बाकी अगर हम लोग बूट खोलना चाहें तो पता नहीं, शायद ये काम नहीं कर रहा है, खाली गाड़ी इंडिकेट कर रही है तो पता नहीं कुछ इस तरीके की। बाकी अच्छा सा आप लोगों को ये मिल जाती है, इसका भी आप लोगों को प्राइस स्क्रीन के नीचे आ जाएगा। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो कुछ इस तरीके की आप लोगों को यहाँ पे जो आपकी, और यहाँ पे XUV 300 की बैजिंग के साथ इसका प्लेट्स आप लोगों को मिल जाती है। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वाइट कलर में लेदर्स की आप लोगों को सीट कवर्स प्रोवाइड हो जाते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार दिख रहे हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ इस तरीके का मिल जाता है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरे में आपका ये मैट इस तरीके के बिछे हुए हैं, XUV 300 लिखा हुआ है। आपके जो जितने भी होल्डर्स हैं, बॉटल होल्डर्स हैं, थोड़ा बहुत सामान रखने की स्पेस पे, एंड फ्रंट में आप लोग कुछ इस तरीके का। बाकी आपको म्यूज़िक सिस्टम गाड़ी में बेस वेरिएंट में मिल जाता है। एंड अब मैं की लगाता हूँ तो कुछ इस तरीके का है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके का ये एक डिस्प्ले एक्स्ट्रा मिल जाता, मतलब आप लगवा सकते हैं। इसके बारे में मुझे मैं लिख दूँगा नीचे, ठीक है, कि स्क्रीन पे आ जाएगा ये क्या इसको बोलते हैं। बाकी देखो मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ, इतना अच्छे से नॉलेज नहीं है मुझे एसेसरीज के बारे में, अपनी कोशिश में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। एंड ज़्यादा मतलब ऐसा जज मत करिएगा कि भाई तुम्हें इतना हाई मतलब मैं इतना हाई प्रोफाइल में नहीं हूँ इतना कि मुझे नॉलेज हो अच्छे से एसेसरीज की। आप गाड़ियाँ हैं तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बना देता हूँ ब्लॉग, जिससे कि आप लोग जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ आप लोग कर दे रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोग ये ब्लॉग पसंद आए, तो बैक टू द पॉइंट चलते हैं। आप कुछ इस तरीके देख सकते हैं, जैसे ही आप गाड़ी को बंद करते हैं आप देख लीजिएगा, अब जैसे ही मैं गाड़ी को इग्निशन देता हूँ, ऑन करता हूँ, अब देख लीजिए यहाँ पर डिस्प्ले पर आ जाता है लिख के ऐसा, कुछ इस तरीके का इसको बनाया गया है जिससे कि आपको पता चलता रहे। बाकी इसमें स्पीड एंड डिजिटली होगा, ये देख सकते हैं जैसे कि इसमें 3 बटन्स दिए हुए हैं मेन्यू के, सेट के, कुछ इस तरीके का, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को कुछ इस तरीके मिल जाती हैं। एंड बाकी अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कोई लेदर स्टिच आप लोगों को नहीं दिया हुआ है,
यहाँ पे भी आप लोगों को XUV 300 लिखा हुआ है, पूरी फुल मैटिंग है इसमें गाड़ी में आप लोगों को मिल जाती हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ तो फुल मैटिंग आपको गाड़ी में प्रोवाइड हुई है एक्सेसरीज में, पीछे मैं दिखा दूंगा। बाकी आप लोग यहाँ पे सीट्स की अगर बात करें, सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप लोगों को महिंद्रा राइस की बैजिंग मिल जाएगी सीट्स में, एंड देख सकते हैं आई थिंक कि आप लोगों को यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेंसर्स प्रोवाइड हुए हैं, फ्रंट में भी सेंसर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, रियर में भी मिल रहे हैं एक्सेसरीज में। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रिप के लिए यहाँ पे सब पूरा ग्रिप का जो आपका ऑप्शन आता है वो सब मिल जाता है। तो अब गाड़ी में इतनी यहाँ फ्रंट में तो इतनी एक्सेसरीज लगी हुई हैं, बाकी अब चलते हैं रियर में, तो रियर में देखते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज आप लोग प्रोवाइड होती हैं। तो जब गाड़ी आप रिवर्स करते हो तो आपको ये भी मिलता है, गाड़ी साउंड मारेगी ठीक है, चारों इंडिकेटर्स के साथ। एंड ये आप लोगों के लिए फ्रंट में सेंसर्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं, देख सकते हैं दो सेंसर्स आप लोग फ्रंट में प्रोवाइड हो जाते हैं। एंड ये शायद ये नहीं है, फ्रंट में दो ही सेंसर्स आप लोग प्रोवाइड होते हैं। एंड अगर सेंसर्स की बात करें तो सेंसर्स आप लोगों को वहाँ बताएगा, देख सकते हैं जो ब्लू लाइट दिख रही है ये सेंसर्स आप लोगों लगा हुआ है। पीछे की बात करते हैं तो पीछे कुछ इस तरीके की आप लोगों को आप लोग पूरा सीट्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, देख सकते हैं बहुत ही कुशनिंग बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पे। बाकी मैट्स, डोर मैट्स आप लोग यहाँ पे फुल मैटिंग की हुई है, ये पूरी मैटिंग होती है, बहुत अच्छी होती है, ये प्रोटेक्शन करती है, जैसे कि आप लोगों कोई जूस या पानी अगर गिर जाए तो गाड़ी के अंदर नहीं जाने देती पानी को पूरा फ्लोर पे, एंड ये खुद सोख लेती है, एंड बहुत अच्छी प्रोटेक्शन रहती है, तो अगर ये लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। एंड अगर हम लोग बूट की बात करते हैं तो बूट में ऐसा कुछ मैट आप लोगों को मिल जाएगा, मैटिंग करी हुई है देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज का पूरा ब्लॉग पसंद आया, अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, मेरे मत जाइएगा, हो सकता है शायद कोई चीज़ रह गई हो मुझसे, बट अपनी कोशिश में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी देने की कोशिश करी। तो थैंक यू सो मच गाइस ये ब्लॉग देखने के लिए, बाकी कोई भी अगर आप लोगों को डिटेल चाहिए या कोई भी अगर है तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मुझे, फिर मैं बता दूँ, ऐसे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट अपनी कोशिश में मैंने बता दी। बाकी ये है ना लगा हुआ है, इसको मैं लगा दूंगा जिससे कि आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, एंड अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको वो सही लगे सहूलियत के हिसाब से आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं, XUV में लगवा सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच गाइस ब्लॉग देखने के लिए।